गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई श्रुति गर्ग वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद सम जनरल टर्म। द फर्स्ट टर्म विच केम इन आवर माइंड इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाई वी आर लर्निंग इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इट्स नीड। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू फर्स्ट आंसर मी टू क्वेश्चंस। My first question is that your wants or the human being wants are limited or unlimited? They have unlimited human wants, while the resources are limited or unlimited, those are limited. So we have to make the coordination between these two. हमें अपने limited resources को इस तरीके से use करना है कि हम अपने human wants को satisfy करें और maximum satisfaction achieve कर सकें। To understand it more, we are going to take an example. Let's suppose you have rupees 500 in your hand. And with these 500 rupees, we are going to purchase a dress. For purchasing this dress, we go to market. And in market, we like 3 dresses. But we can purchase only one. Hum sirf ek khareed sakte hain because we have the limited resource. That is, we have only rupees 500. So, we are going to purchase the best one. Why? क्योंकि वो बेस्ट वन खरीदने के बाद हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाता है। यही इकोनॉमिक्स है कि पूरे वर्ल्ड में या पूरी अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से यूज़ किया जाए दैट वी कैन अटेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नाउ आवर सेकंड टर्म इज इकोनॉमी। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज कि किसी भी एरिया में रहने वाले लोग ऐसी कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्ले कर रहे हैं कि वो पैसे अर्न कर सकें, दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। Now you have wondered about what is economic activity. Economic activity, the activity which are done for the purpose of earning money. Like कोई business, employment, profession, labor, whatever the work you are doing for the purpose of earning money, cover under the economic activity. Then what is non-economic? It's quite obvious. नॉन इकोनॉमिक जो पैसा अर्न करने के लिए नहीं की जाती है। द एक्टिविटी विच इज़ नॉट डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, फिर किस लिए की जाती है? फॉर द सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लाइक चैरिटी, हेल्पिंग अदर्स, डॉक्टर ट्रीटिंग हिज ओन चाइल्ड, टीचर टीच हिज ओन चाइल्ड, ये सब किस में है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि ये हम पैसा अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। इन इकोनॉमी वी कंसिडर ओनली द इकोनॉमिक एक्टिविटी। To understand this more, we are going to study the story of village Palampur. So firstly, we would know the key features of village Palampur. सबसे पहले कि वहाँ पर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी प्ले होती हैं। वहाँ पर फार्मिंग होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा वॉट अदर फीचर्स दे हैव? पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विलेज विद नेबरिंग विलेज। रायगंज एक बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑल वेदर रोड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। अदर देन दिस, इन पालमपुर 450 फैमिलीज रहती हैं, 80 फैमिलीज अपर कास्ट को बिलोंग करती हैं, लैंड ऑनर हैं यानी कि उनकी खुद की ज़मीन है, बिग और पक्का हाउस में वो रहते हैं। 150 फैमिलीज लो कास्ट को बिलोंग करती हैं, स्मॉल और कच्चा हाउस में वो रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आर देयर, 2 primary 1 हाई स्कूल इज देयर, 1 primary हेल्थ सेंटर ऑफ गवर्नमेंट एंड 1 private। सो आफ्टर स्टडी द स्टोरी विलेज पालमपुर और आफ्टर स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ विलेज पालमपुर, वी कैन से दैट कि पालमपुर इज़ अ वेल डेवलप्ड विलेज। वेल डेवलप्ड क्यों है? बिकॉज दे आर अर्निंग मनी, तभी तो वो डेवलपमेंट कर पाए। अर्निंग मनी बिकॉज दे आर डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे आर डूइंग समथिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के थ्रू। प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन कौन सी है वहाँ पर? फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट of village Palampur. So thank you for watching the video.